सो हेलो गाइज, वेलकम टू माई चैनल ये लॉज एंड आई एम नॉट हियर। सो गाइज, आज ईद और हम आज ईद का ब्लॉग बनाने जा रहे हैं। सो अभी मुझे टाइम हो रहा है एक्चुअली ज़्यादा जल्दी जाने के, क्योंकि नमाज का टाइम हो रहा है, तो फिर नमाज़ पढ़ के फिर मिलते हैं। चलिए स्टार्ट करके ब्लॉग, मिलता हूँ नमाज के बाद। सो गाइज, हम आ चुके हैं कि नमाज़ पढ़ के। तो आप सबको मेरी तरफ से बहुत बहुत ईद की मुबारक। और देख सकते हो आज अच्छा मेरा आउटफिट जो है, आपको मैं सामने से भी दिखा देता हूँ। देखो कैसा लग रहा है आपको, नीचे कमेंट में जरूर बताना मेरा ये कुर्ता कैसा लग रहा है आउटफिट। चलिए तो गाइस, जैसे आप देख सकते हो, मैं आपको दिखाना चाहता हूँ मेरा कुर्ता आज का ईद का कैसा लग रहा है। देखिए, फुल फिटिंग, स्ट्रेचेबल। मुझे पैंट बहुत अच्छी लगी इसकी, क्योंकि मेरे को कभी कभी पैंट आती नहीं है, बट ये पैंट आ गई मेरे को। जैसे देख सकते हो पूरा फिटिंग है, नीचे तक का है कुर्ता, और फुल स्ट्रेचेबल भी थोड़ा सा लग रहा है ऊपर तक पूरा फोटो। आज मेरे मम्मी को मैंने कैमरा पैन बना चुका हूँ। तो गाइस, जैसे देख सकते हो कुर्ता बहुत अच्छा लग रहा है, क्योंकि मैंने यही से लिया हो। और मेरा कुर्ता जो है वो शानूस कुर्ता का है, उनको बहुत बहुत थैंक यू मुझे भेजने के लिए, इतना अच्छा कुर्ता भेजा है। तो गाइस, जैसे आप देख सकते हो इतना अच्छा कुर्ता है ये। तो जिसको भी अगर नेक्स्ट ईद के लिए कुर्ता लेना है, तो मैं नीचे लिंक डाल दूँगा, नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दूँगा उनके इंस्टाग्राम पेज का, आप पे जाके आप बाय कर सकते हो। और शिपिंग भी बहुत जल्दी करते हो, इन 3 to 4 days मुझे मेरा कुर्ता मिल गया था। एंड अगर कुछ इशू होता है, वैसे तो इशू नहीं होता है फिटिंग का, क्योंकि देख सकते हो आप, मुझे हेल्दी लोगों का यही प्रॉब्लम रहता है कि ऑनलाइन बाय नहीं कर सकते कुर्ता, उनको सिलवाना ही पड़ता है। बट जैसे मैं मेरा कुर्ता देख सकता हूँ, मैंने ऑनलाइन बाय किया, उन लोग आपको बेस्ट ऑफ बेस्ट फिटिंग देते हैं। सो गाइस, लिंक डिस्क्रिप्शन में जाके उनको फॉलो करो, एंड नेक्स्ट ईद या फिर आगे भी फंक्शन के लिए कुर्ता मंगाना तो उनसे कुर्ता मंगाओ। सो ये सोज देख सकते हो, आज मेरे अब्बू को मैं फर्स्ट टाइम मेरे कैमरे के सामने लेके आ रहा हूँ। सेम देख सकते हैं, इनका भी जो कुर्ता है शानूस कुर्ता से आया हुआ है। जैसे देख सकते हैं, इनको भी फुल फिट में हो गया है ये कुर्ता। और हमने फर्स्ट टाइम ऐसा किया है कि हमने सेम कुर्ता सिलवाए है। अब्बू कैसा लगा तुमको कुर्ता, बताओ ज़रा। हाँ, बहुत अच्छा था ना। तो जैसे कि आप देख सकते हो, उनको मैं दिखाता हूँ आपको पूरा उनको अच्छे से। जैसे कि आप देख सकते हो कितना फिटिंग में इनको आ चुका है कुर्ता। सो जिसको भी लेना है, जाके नीचे लिंक डिस्क्रिप्शन में जाके उनको फॉलो करो और बाय करो। सो गाइस, बढ़ते हैं हमारे ब्लॉग की तरफ। अभी हम जाते हैं कुछ नाश्ता करते, सुबह से कुछ खाया नहीं, डायरेक्ट नमाज से अभी आया हूँ मैं। सो देखते हैं कैसा होता है आज का ब्लॉग। तो गाइस, मैं आ चुका हूँ फिर से, चेंज कर लिया हूँ मैंने अपना, टी शर्ट पहन लिया बिकॉज गर्मी बहुत हो रही थी कुर्ते के अंदर थोड़ा, यहाँ पे गर्मी बहुत है। तो मैं कैसे सो गया था, अभी नाश्ता किया देन मैं सो गया था, बिकॉज मेरी कोई फ़ोटो नहीं खींच रहा था। भाई बहन ना होने का ये डिसएडवांटेज है मुझे, कि ईद के दिन कोई फ़ोटो नहीं खींचता। मम्मी को बोला तो मम्मी बोले उनको थक गए थे, एक्चुअली वो सो गए थे। डैडी भी सुबह जल्दी उठे तो वो भी सो गए। बचा मैं ट्राई किया मिरर सेल्फी लेने का, बट मैं भी थक गया और सो गया। किसी थक के नहीं सोया, मैं गुस्से में सोया, कोई वो मेरी फ़ोटो नहीं ले रहा था। तो सो के जस्ट अभी 12 बजे उठा मैं, उठा तो फिर जुम्मा था आज, फिर नमाज़ पढ़ा, नमाज़ पढ़ के जस्ट अभी बैठा हूँ। देखते अभी डिनर का टाइम होगा, डिनर बोल रहा हूँ मैं भी, रोज़ा नहीं होकर रोज़ा लग रहा है मेरे को। सो डिनर नहीं, लंच कर लेते हैं। और आप लोगों को मेरा अटायर आज का लुक कैसा लगा ज़रा बताइएगा मुझे कमेंट बॉक्स में। ये जो मेरा ये ऐसे ही मतलब मैं पहनने वाला नहीं था, मैं कुर्ता ही पूरा दिन रखने वाला था, बट मैं सोचा भी थोड़ा हल्का फुल्का हो जाऊँ। कुर्ता अच्छा, कुर्ते में फिटिंग अच्छा था, सब सही था, बट बात ये थी कि आज जो है ना, मेरे को ना एकदम फ्री रहने की आदत है, कुर्ता फिटिंग में था इसलिए मैं बोला फ्री हो जाता थोड़ा, इसलिए मैंने टी शर्ट पहन लिया। हल्का फुल्का पहनना चाहिए कि गर्मी बहुत है और मुझे ना पीठ पर रैशेस आ जाते हैं अगर मैं ये रख रहे हाँ। तो मैं क्या बोल रहा था, थोड़ा ढीले मतलब। तो मैं हो रहा था कि एक्चुअली फ़ोन आ गया था, इसलिए जो कैमरा बंद हो गया था बीच में, फिर से आ गया मैं। एक्चुअली फ़ोन तो आते रहते ईद का टाइम है, तो फ़ोन आना काफ़ी। सो जैसे कि मैंने बताया कि मैं
हाँ मैं लूज़ ज़्यादा फिटिंग कपड़े मुझे पसंद नहीं, मतलब ऐसी बात नहीं है कि मैं पहनता हूँ तो नहीं पहनता हूँ फिटिंग कपड़े। अभी अभी मैं फिटिंग कपड़े पहनने की आदत डाला, जैसे कि अभी मेरा जो कुर्ता था वो फिटिंग में था, एंड जो अभी मैं टी शर्ट्स लिया था वो फिटिंग में लेता हूँ। बट देखो बचपन से ऐसे आदत है ना एकदम ढीला पहनूँ, जैसे कि आप देख सकते हो इतना ढीला ढीला पहनता हूँ मैं। सो वही तो देखते हैं, अभी जाके लंच करना है, लंच करूँगा, फिर लंच करके कॉल्स आए हैं फ्रेंड्स के, हमारे फ्रेंड आ रहे हैं, हमारे कल्याण वाले फ्रेंड भी आ रहे हैं, रास्ते में है, अभी उनको ही मिलना है जाके। तो वैसे तो अब कुर्ता पहन लूँगा मैं, ये ऐसे नहीं लूँगा, ऐसे नहीं लूँगा, कुर्ते में रह गए मैं थोड़ा ऑफवर्ड फील कर लूँगा। बचपन में चल जाता था कि हम कुर्ता पहन लिए, नमाज़ पढ़ के आए, फिर घर में फिर रुके, फिर चेंज करके फिर नीचे उतरे, वो बचपन में चलता था, अभी नहीं चलता। अभी सब फ्रेंड लोग भी कुर्ते में रहते, तो हम भी कुर्ते में रह गए। तो अभी कुर्ता तो फिर चेंज करूँगा, पहले लंच करूँगा, अभी जाके खाना हो गया होगा तो पता नहीं, पूछना पड़ेगा मेरे को। मम्मी तो देखते, लंच हो गया, लंच करके फिर हम जाएंगे हमारे फाद भाई से मिलने। फाद भाई आ रहे, कॉल उन्हीं का कॉल था कि वो निकल चुके, और कितना बज रहा है अभी, लाइक आ जाएगा अभी, एक बज रहा है, कैमरा भी सीधा रहता ही नहीं, हाँ एक बज रहा है, आ जाएगा अभी, एक नहीं सॉरी 1:30 हो रहा है, आ जाएगा अभी, कुछ 2 बजे तक आ जाएगा कल्याण से आने में। अभी एक्चुअली वो ट्रेन तो बंद है, ओला करके आ रहे हैं, देखते क्या होता है। सो गाइस जा रहा हूँ लंच करने, मिलते लंच के बाद। सो गाइस हमने कुर्ता तो पहन चुके हैं, बट प्रॉब्लम आ गई थी कि हमने जब फाद भाई को मिलने गए तो हमारा फ़ोन जो स्विच ऑफ हो गया बिकॉज बैटरी लो थी। सुबह से सब लोगों के मैसेज आ रहे थे ईद मुबारक के, एंड बाकी ईद के मैसेज में भेज रहा था, तो उसमें जो मेरे फ़ोन की बैटरी बहुत ख़त्म हो गई, तो वही तो मैंने फिर चार्ज नहीं किया था। फिर हम लोग वहाँ गए, फाद भाई से मिले, देन हम लोग फिर गार्डन गए, जो मुमरा का गार्डन है शिमला पार्क, उधर गए, थोड़ा फ़ोटोशूट्स किए, फ़ोटो खींचे, फिर देन वहाँ से फिर हम लोग निकल गए, फिर घर पे आए फाद भाई के साथ घर पे आया, फिर यहाँ पे हम लोग मिले। बट देखते हैं, अभी मैं जस्ट चार्ज किया, अभी भी 23% चार्ज किए, तो मैं शूट नहीं कर पाया। जस्ट मैं अभी 7 बजे अभी घर पे आया हूँ, मैं देखा तो मेरा फ़ोन बंद ही था, फिर चार्ज पर लगा 23%, तो फिर मैं बोला चलो ब्लॉग को थोड़ा आगे बढ़ाते हैं। सो गाइस अभी तक तो मैं सुबह से घूम रहा ही था बाहर, लाइक फादर के साथ घूम रहा ही था, देन अभी घर पे आया, अभी फिर से देखते मेरा आउटफिट फिर से मैं पहन चुका हूँ। बहुत मज़ा आया आज, सब लोगों ने तारीफ भी की है आज का आउटफिट देख के मेरा, बिकॉज बहुत यूनिक लग रहा, सब लोगों को लग रहा था मैंने खुद ने सिलवाया वो कपड़ा लेके, बट थैंक्स टू शानू कुर्ता, ये रेडीमेड कुर्ता है जो मुझे फिट आ चुका था। तो गाइस जैसे आज की ईद जो है मेरी बहुत अच्छी गई, हाथ बहुत दुख रहा है यार, इसलिए मुझे ऐसा पकड़ना पड़ेगा। सो माशाल्लाह आज पिछली बार के बाद इस बार की जो ईद थी बहुत ज़्यादा। सो अभी देखते हैं क्या, अभी व्लॉग को थोड़ा एंड करेंगे, अभी मैंने जाके शुरकुरमा नहीं पिया हूँ सुबह से, मैं सुबह से घूम रहा ही था फाद भाई इन लोग के साथ, फिर उनसे उधर से फिर आया, अभी फाद भाई फिर चले गए अपने घर, फिर मैं गया था मेरे फूफी के यहाँ, वहाँ से जाके अभी जस्ट आया, मैं देखा तो फ़ोन डेथ ही था, उसको चार्ज किया, फिर से मैंने सेकंड टाइम बोल दिया ये बात। सो गाइस देखते हैं, मैं डेली व्लॉग शूटिंग करने का प्लान कर रहा हूँ, बिकॉज चैनल पे रेगुलर नहीं रह रहा तो व्यूज़ जो है डाउन जा रहे, जहाँ पे मेरे 400 व्यूज़ जाते थे वहाँ पे अब सिर्फ 100 व्यूज़ जा रहे। मेरे रिसेंट ब्लॉग पे भी देखा मैंने तो बहुत कम व्यूज़ आ रहा, क्या कर रहा, सब्सक्राइब करो, नीचे बेल आइकन रहेगा उसको दबाओ, और रेगुलर मैं वीडियो डालने की कोशिश कर रहा हूँ, इंशाल्लाह डालने की कोशिश कर रहा हूँ, देखेंगे कैसा है। और ये जो टोपी भी आप देख सकते हैं, ये मुमरा से ही लिया मैंने, ये जो इसको बहुत मैचिंग हो रही है, लाइक सब बोल रहे हैं कि ये टोपी इसी ऊपर मिला गया, बोला नहीं ये मैंने अभी भी ख़रीदा था मुमरा से। सो गाइस देखते पिछली बार से इस बार का ईद बहुत अच्छा था माशाल्लाह। सो गाइस देखते अभी जाते हैं हम शुरमा पीते हैं, फिर इस व्लॉग को एंड करते हैं, एंड मैं डेली व्लॉगिंग जाता रहूँगा। तो गाइस देखते अभी जाके थोड़ा शुरमा पी के आता हूँ, फिर मिलता हूँ आपसे। सो गाइस आ चुके हैं हम शुरमा पीने, जस्ट अभी हमारे जो अशु भाई है इनको अपने लास्ट व्लॉग में देखा था, वो आए हैं मिलने,
मतलब है उनके घर जाना है, बाहर ही मिले और कहाँ मिल सकते, तो लगे अभी जा रहे उनको मिलने के लिए। हम सुबह से मिलने के ट्राई कर रहे थे बट वो बिजी थे थोड़ा, तो अभी जाएंगे शुरू ख़त्म करके फिर जाते हैं। स्टे ट्यून। तो गाइस निकलते हैं अभी, हम जाते हैं। मम्मी ऐसे एक्सप्रेशन क्यों देते हो आप? हाँ निकलते हैं, जा रहा हूँ ना, देख भगाया जा रहा है हमको घर से, देखते हैं। सो गाइस अभी हम आ चुके हैं हमारे अश्यु भाई के घर पे। अश्यु भाई की अपॉइंटमेंट लेना पड़ा मुझे मिलने के लिए, अभी इतने बड़े स्टार हो गए लेकिन वीडियो 601 के क्रॉस कर गई है तो अपॉइंटमेंट लेना पड़ता है इनका। भाई को भाव चढ़ गया। और हमारे शैबी भाई भी मुझे अचानक मिल गए यहाँ पे, वो भी आए हुए थे। आ गए हम लोग मिलने के लिए भाई से। भाई से मिलने आ गए, इनका अपॉइंटमेंट लेना पड़ा ना। तुम्हारा कितने बजे अपॉइंटमेंट था? मेरा अभी था 6 बजे का, लेकिन मैंने आ गया। हाँ मेरे को 9 बजे का अपॉइंटमेंट दिए थे इन्होंने, अभी बज चुके कुछ कितने बज रहे, 9:30 होने आए। तो भाई जैसे देख सकते हो आशु भाई कुछ बोलो आप यार। नमस्कार, बेइज्जती करना। आशु भाई कुछ बोलो आप, कुछ बोलो। बस ईद मुबारक, साथ में जुम्मा मुबारक भी था। दिल का राज खोलो। दिल में रहन दो, दिल में रहन दो। समझ रहे हो, समझ रहे हो, समझ रहे हो ना, कुछ है जो राज। जुम्मा मुबारक, ईद मुबारक गाइस। 00 बिन तरफ से आप सबको जुम्मा मुबारक और ईद मुबारक। सो देखते अभी कुछ खिलाएंगे पिलाएंगे अभी अश्यु भाई हमको। अम्मी डंडे और लाठी से मारेगा। तो देखते अभी हम ब्लॉग घर पे जाके एंड करूंगा मैं, सो बने रहिए। तो गाइस अरसलान भाई की अश्यु भाई खाने आ चुके हैं। शोरमा नहीं, सॉरी क्या, शिरखोरमा। अश्यु भाई ने और अश्यु भाई ने हमारे ड्रेस भी चेंज कर चुके हैं, कुछ ज़्यादा ही पल्लू भारी लग रहा था उनको, ज़्यादा पल्लू। तो अभी खाते खाते सो गाइस हम आ चुके हैं फिर से। कल मैं अशोक घर से निकला, देन मैं अभी घर पे आया, खाना खाया और सो गया। शूट करने की याद ही नहीं रहा बिकॉज मैं बहुत ज़्यादा थक गया था, सुबह से हम लोग घूम रहे थे तो इसलिए मैं जाके सो गया। तो अभी मैं आज भी सुबह मैं सोचा सुबह का एंड कर दूँ, तो सुबह मैं लेट उठा, अभी जस्ट 12 बजे उठा था मैं। 12 बजे उठ के ब्रेकफास्ट करा, उसको ब्रेकफास्ट नहीं ब्रंच बोलते, ब्रंच किया, देन फिर अभी 3 बजे लंच किया। तो ऐसा हुआ था, शेड्यूल बहुत ज़्यादा बिगड़ चुका है मेरा क्योंकि 12 बजे होगा। तो मैं ये ब्लॉग यहाँ पे एंड करता हूँ। वीडियो अगर एंड देखो तो प्लीज़ लाइक कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय।